याहू की नाकामी हमें यह शिक्षा देती है कि जब किसी जगह पर नई सोच को प्राथमिकता नहीं दी जाती तो वो जगह जल्द ही इतिहास का हिस्सा बन जाती है। सिर्फ याहू ही नहीं, दुनिया की कई बड़ी कंपनियां जब समय के साथ खुद को बदल नहीं पाई तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। और ऐसी ही एक और कंपनी है नोकिया। 1991 में पहली बार फिनलैंड के प्रधानमंत्री ने नोकिया द्वारा बनाए गए उपकरण से दुनिया की पहली GSM कॉल की थी, यानी मोबाइल कॉल की थी। लेकिन 2009 आते आते नोकिया मोबाइल फोन मार्केट में अपना शेयर गंवाने लगी। नोकिया के साथ समस्या ये थी कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हो रहे क्रांतिकारी बदलाव की ताकत को पहचान नहीं पाई और पुराने ढंग से ही चलती रही। इसके बाद खराब दौर से गुजर रही नोकिया को वर्ष 2013 में माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया। इसी तरह सन 1888 में दुनिया के पहले कैमरे का निर्माण करने वाली कंपनी कोडेक भी समय के साथ खुद को नहीं बदल पाई और कैमरा बेचने के मामले में दुनिया की कई कंपनियों से पिछड़ गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि डिजिटल कैमरे का निर्माण कोडेक ने वर्ष 1975 में ही कर लिया था, लेकिन खुद कोडेक डिजिटल फोटोग्राफी की ताकत को नहीं पहचान पाई और 2012 में कोडेक कंपनी दिवालिया हो गई। ब्रिटिश लेखक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल विदाउट चेंज एंड दोज हु कैनॉट चेंज देयर माइंड्स कैनॉट चेंज एनीथिंग। यानी बदलाव के बिना तरक्की हासिल नहीं की जा सकती और जो लोग वक्त के साथ अपने सोचने का तरीका नहीं बदल पाते वो कुछ भी नहीं बदल सकते, यानी वो कुछ भी नया नहीं कर सकते। याहू, नोकिया और कोडेक जैसी कंपनियों को चलाने वाले लोग वक्त के साथ अपनी सोच को बदल नहीं पाए और शानदार शुरुआत के बावजूद वक्त से पहले इतिहास का हिस्सा बन गए। हमने अपने इस DNA टेस्ट के जरिए आपको यही बताने की कोशिश की है। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है, इसलिए नए तरीके से सोचिए, नए आइडियाज पर काम कीजिए, नए लोगों से मिलिए, नई सोच अपनाइए। ये सब करने के लिए आपके पास किसी बड़े गोल यानी बड़े उद्देश्य का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि जीवन को छोटे छोटे बदलावों से भी सुखद और मंगलमय बनाया जा सकता है। होना यह चाहिए कि आपके पास एक उद्देश्य होना चाहिए, चाहे वो उद्देश्य बड़ा हो या उद्देश्य छोटा हो, लेकिन उद्देश्य होना जरूरी है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप रोजाना एक जैसा जीवन ना जिए, हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करें ताकि आप इस दौड़ में पीछे ना रह जाएं।